सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आइए हम लोग जानते हैं वर्णों के भेद के बारे में, वर्ण के भेद के बारे में। वर्ण के भेद, तो जैसा कि मैंने बताया कि वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक स्वर होते हैं और दूसरा एक स्वर होता है और दूसरा व्यंजन होता है। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब स्वर वर्ण किसे कहते हैं? सबसे पहले हम लोग आएंगे स्वर वर्ण किसे कहते हैं। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? तो स्वर वर्ण ऐसा वर्ण होता है जो स्वतंत्र रूप से बोला जाता है या फिर स्वतंत्र रूप से उच्चारित होता है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। वह वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोला जाए, या उच्चारित हो, तथा जिसे बोलने में दूसरे वर्णों की सहायता न लेनी पड़े। स्वर कर रखी कहता है कि जिस वर्णों को बोलने में या उच्चारण करने में किसी भी दूसरे वर्णों की सहायता नहीं ली जा सके उसे स्वर वर्ण कहते हैं। तो स्वर वर्ण के अंतर्गत हम लोग जो भी वर्ण का उच्चारण करते हैं वह स्वतंत्र होता है, उसमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। उसको बोलने में, उसके उच्चारण करने में हम लोगों को दूसरे किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। दूसरा व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण वैसे वर्ण है जो स्वर की सहायता से बोला जाता है या फिर स्वर की सहायता से उच्चारित होता है, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। वह वर्ण जो स्वर की
सहायता से बोला जाए या उच्चारित हो उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब जो शब्द जो वर्ण स्वर की सहायता से बोला जाए उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब यहां पर हम लोग जानेंगे कि स्वर कौन कौन से होते हैं और व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो स्वर वर्ण कौन कौन से होते हैं? ओ, आ, हर्षी, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, री, ए, ए, ओ, और औ। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 स्वर वर्ण होते हैं। 11 स्वर वर्ण होते हैं। दूसरा व्यंजन, व्यंजन वर्ण में क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, छ, ब, भ, म, य, र, ल, व, तालव्य, मूर्धन्य, दन्त, फ। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 30 और 33 ये व्यंजन वर्ण होते हैं। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझ लें और अपने नोटबुक में वर्ण के भेद की परिभाषा और कौन कौन से वर्ण स्वर होते हैं और कौन कौन से वर्ण व्यंजन होते हैं सबको अलग करके अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें और इसको अच्छे तरीके से याद कर लें।